हम हैं अपनी श्यामा जू के, श्यामा जू हमारी। ये वाक्य बोलते ही हृदय में कितना सात्विक अभिमान जागृत होता है। अभिमान करना नहीं चाहिए वैसे, लेकिन अपने हरि पे और अपने गुरु पे तो सदा सर्वदा अभिमान करना चाहिए। जय, बड़ा सात्विक अभिमान है। हम अधिकार पूर्वक कह पाए कि हम हैं अपनी श्यामा जू के, श्यामा जू हमारी है, ऐसा भाव बन जाए, ऐसा अनुराग जग जाए, ऐसा प्रेम जग जाए कि हम पुकारें और प्रियालाल समक्ष प्रकट हो जाएं और कहें, प्यारे केवल तू ही नहीं, हम भी तुम्हारे हैं, हम भी तुम्हारे हैं, ऐसा भाव जग जाए। आज द्वितीय दिवस आरंभ होने जा रहा है रस महोत्सव का, और प्रसन्नता की बात यह है संत भगवान कृपा कर रहे हैं और इस उत्सव में इतनी दूर दूर से भक्त वृंद बिहार जी ने बुलाए हैं। अपने भाग्य की सराहना करो, हमारी मैया इंदौर से आई है, कोई पंजाब से आया है, हमारी जन्मभूमि से मोदी नगर से पागलों की टोली आई है, गाजियाबाद से आए हुए हैं, ये तो गाजियाबाद से तो बहुत प्रेमी भक्त आए हैं, दिल्ली कैंट से आए हुए हैं और जाने कहां कहां से आए हुए हैं सब लोग। आप सबके लिए यही प्रार्थना करूं मैं अपने बिहार जी के चरणों में, बस कोई ना कोई ऐसा बहाना आपको मिलता रहे कि आप वृंदावन आते रहोगे, कोई भी ऐसा बहाना मिलता रहे कि आप वृंदावन आते रहो। मन लगता है वृंदावन से बाहर? नहीं लगता है। जिसने वृंदावन को देखा नहीं वो वैसे तड़पता है, और जो वृंदावन को एक बार निहार ले वो वैसे तड़पता है। तड़पन दोनों तरफ, मजा प्रेम का चाहो तो मेरी आंखों में बस जाओ, मजा प्रेम का चाहो तो मेरी आंखों में बस जाओ, मजा बरसात का चाहो तो मेरी आंखों में बस जाओ, सावन तो एक बार बरसता है ये रोज बरसती है। जय, अत्यंत हृदय को प्रसन्नता है आप सब आए इस उत्सव में। हमारे पूज्य दादा गुरुजी महाराज की पावन स्मृति में ये उत्सव प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। पिछले वर्ष से ही ये पूज्य संतों की कृपा से, रसिक वैष्णवों की कृपा से ये उत्सव आरंभ हुआ है, सदगुरुदेव भगवान की कृपा रही, और कल प्रथम दिन ही सदगुरुदेव भगवान का आगमन, पूज्य संतों का आगमन, ये मानो कि ये यज्ञ, ये अनुष्ठान, ये महोत्सव कल ही सफल हो गया, सार्थक हो गया, ये महिमा है। बस यहाँ आके एक स्थिति और बन जाए, इन नैनों से, जिन नैनों से, जिन नेत्रों से, जिन आंखों से हम बिहार जी को निहारते हैं, वो बिहार जी केवल हमें मंदिर में ही ना दिखाई दे, वो सर्वत्र हमको दिखाई दे। आप सब सामने जितने भी भक्त प्रेमी गण बैठे हैं, आप में उनका स्वरूप झलकने लगे, आप जिसे देखो उसमें केवल आपको प्रिया प्रीतम ही अपने नजर आए तो जीवन में प्रेम ही प्रेम रह जाएगा, उसके अलावा कुछ रह नहीं जाएगा। और आप लोग तो बहुत भाग्यशाली हो, हम अनेकों बार भजन संध्या में भी कही कि ठाकुर जी ने सबको सात वार दिए हैं जीने के लिए, सात बार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, सात बार है ना, इन सात बार में ही जीवन मृत्यु लिखा हुआ है, सात दिनों में। लेकिन आप सब तो परम सौभाग्यशाली हैं, आपको सातवें वार के अलावा आठवां वार भी मिला है, वो है आपका परिवार प्यार। उस परिवार में इतनी प्रिया प्रीतम की कृपा बरसे, इतनी कृपा बरसे, इतनी कृपा बरसे कि जब वृंदावन से आप यहाँ जाओ ना वृंदावन की खुशबू लेके, तो वहां रहने वाले एक एक व्यक्ति को वृंदावन की खुशबू आए और एक दिन ऐसा लगे कि घर भी वृंदावन बन चुका है, मन भी वृंदावन बन चुका है। वृंदावन से बाहर रहना ही नहीं है, वृंदावन से अन्यत्र कहीं जाना ही नहीं है। स्वामी श्री भगवत रसिक देव जी ने बोला ना, हमारो वृंदावन उर और, वृंदावन रसिकों का वृंदावन कहाँ है, रसिकों का वृंदावन हृदय में है, हृदय में।
इन संतों का वृंदावन हृदय में है। जब ये संत वृंद वृंदावन से बाहर जाते हैं हम जैसे अधमों का कल्याण करने के लिए, नाम संकीर्तन हेतु, नाम प्रचार हेतु, तो समझो इनके रूप में वृंदावन धाम ही पहुंच रहा है बाहर। जो वृंदावन तक नहीं आ पाते, वृंदावन इन संतों के रूप में प्रकट होकर बाहर उन भक्तों की प्यास बुझाने पहुंच जाते हैं। इस स्वरूप ऐसा भाव आ जाए कि किशोरी जी का नाम, श्री लाल जी का नाम, बिहारी जी का नाम केवल नाम बन के ना रह जाए जीवन में, केवल एक औपचारिकता बन के ना रह जाए, ये नाम ही हमारा श्रृंगार बन जाए। जय श्रृंगार बन जाए। जैसे ब्रज गोपियों का, ब्रज गोपियों ने बड़ा सुंदर भाव कहा कि बैंदी में बाल कृष्ण, बिंदी में टीके में, उसको बिंदी नहीं दिखती है, उसको टीका नहीं दिखता है, उसको क्या दिखता है उस बिंदी में भी, कि बैंदी में बाल कृष्ण, मेहंदी में मोहन प्यारे, के बैंदी में बाल कृष्ण, मेहंदी में मोहन प्यारे, चोटी में चोर श्याम, मोतिन में मुरारी है। बेणी में भी उसे वो माखन चोर नजर आता है, उसको कुछ और दिखता ही नहीं है, सर्वत्र हरि व्यापक, सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, हो ही मैं जाना। के बैंदी में बाल कृष्ण, मेहंदी में मोहन प्यारे, चोटी में चोर श्याम, मोतिन में मुरारी है। और श्रृंगार देखो गोपी का, के कर्ण फूल कमलाकंत, कानों में जो झुमके पहने हुए उसमें कमलाकंत नजर आ रहे हैं, के कर्ण फूल कमलाकंत, वेणी में बनवारी प्यारे, वेणी में चोटी में, कि कर्ण फूल कमलाकंत, वेणी में बनवारी प्यारे, हारों में हरी बाजू बंद में बिहारी है, हारों में हरी, इस हार में हार नजर नहीं आते, इस हार में हरी नजर आते हैं, कि हारों में हरी बाजू बंद में बिहारी है। ऐसा श्रृंगार हो, ऐसा श्रृंगार हो, हमारा निवेदन है कोई आगे ना आए, कोई आगे ना आए, यथा स्थान जिसको स्थान मिले वहां विराजे, लेकिन आगे ना आए। कैसा श्रृंगार, फिर से सुनो एक बार, के बैंदी में बाल कृष्ण, ध्यान से सुना एक एक श्रृंगार को, के बैंदी में बाल कृष्ण, मेहंदी में मोहन प्यारे, चोटी में चोर श्याम, मोतिन में मुरारी। अलंकार श्रृंगार जिस अक्षर से शुरू हो रहा है उस प्रथम अक्षर से ठाकुर की याद आ जाती है, मोती दिखते हैं तो मोहन की याद आ जाती है, बैंदी दिखते हैं तो बाल मुकुंद याद आ जाते हैं, मेहंदी देखते हैं तो प्रथम अक्षर मैं बनता है, मोहन की याद आ जाती है। के कर्ण फूल कमलाकंत, बेणी में बनवारी प्यारे, हारों में हरी बाजू बंद में बिहारी है, हारों में हरी बाजू बंद में बिहारी है। ऐसी प्रार्थना करना, और ये श्रृंगार केवल वृंदावन में ही हो सकता है, ये श्रृंगार केवल वृंदावन ही कर सकता है, इसलिए यहाँ आने के बाद अगर अपने जीवन का श्रृंगार करना चाहते हो तो बस एक ही भाव कहना, क्या हम हैं अपनी श्यामा जू के, श्यामा जू हमारी, हम हैं अपनी श्यामा जू के, श्यामा जू हमारी है। कोई आपसे आपका परिचय पूछे ना कि भाई आप कौन हो, आपका नाम क्या है, तो परिचय भी यही बन जाए, प्यारे हमारा तो केवल इतना सा परिचय है, क्या हम हैं अपनी श्यामा जू के, श्यामा जू हमारी, हम हैं अपनी श्यामा जू के, श्यामा जू हमारी, ये भाव बन जाए। आओ वृंदावन धाम के पावन रज को प्रणाम करते हुए हम सब श्री भक्तमाल जी के पावन पवित्र कथारस महोत्सव में प्रवेश करें। आप सबको कल एक पत्र दिया होगा भक्तमाल जी की महिमा का, नमामि भक्तमाल को आप सबके पास होगा, आप सब निकालिए और हमारे साथ बड़े भाव से पाठ करें इसका, नमामि भक्तमाल, सब याद है आप सबको, आपके पास पहुंच गया है, और जिन्हें याद नहीं है वो नमामि भक्तमाल को ही बोलते रहना, हाँ भाव से दो मिनट के लिए पाठ कर लें फिर आगे बढ़ें।
पढ़े जो आदि अंत लो, पढ़े सो परम तंत लो, कहे अनंत साल को नमामि भक्त माल को। पढ़े जो आदि अंत लो, पढ़े सो परम तंत लो, कहे अनंत साल को नमामि भक्त माल को। पढ़े जो आदि अंत लो, पढ़े सो परम तंत लो, कहे अनंत साल को नमामि भक्त माल को। पढ़े जो आदि अंत लो, पढ़े सो परम तंत लो, कहे अनंत साल को नमामि भक्त माल को। कहे अनंत साल को नमामि भक्त माल को। कहे अनंत साल को नमामि भक्त माल को। कथा करे जो याही की, व्यथा रहे ना ताही की, मिले सो राम लाल को नमामि भक्त माल को। कथा करे जो याही की, व्यथा रहे ना ताही की, मिले सो राम लाल को नमामि भक्त माल को। नमामि भक्त माल को, 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 नमामि भक्त माल को। दानी सेवा करते भाव परिकर श्री भक्तमाल जू की जय हो। प्रकार नो की भक्ति जो सो अंग होत शक्ति सो, कहे गिरा रसाल को नमामि भक्त माल को। प्रकार नो की भक्ति जो स्वंग होत शक्ति सो, कहे गिरा रसाल को नमामि भक्त माल को। कहे अनन्य भाव है, लहे सुभक्ति भाव है, यही प्रमाण भाल को नमामि भक्त माल को। कहे अनन्य भाव है, लहे सुभक्ति भाव है, वही प्रमाण भाल को नमामि भक्त माल को। करे जो पाठ अभक्त भक्ति को, लहे न भूल मुक्ति को, चहे इने सो तुच्छ काल को नमामि भक्त माल को। अभक्त भक्ति को, लहे न भूल मुक्ति को, चहे इने सो तुच्छ काल को नमामि भक्त माल को। नमामि भक्त माल को, 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 नमामि भक्त माल को। बोलो श्री राधे राधे। करे जो पाठ प्रात में, सरे सुकाज दात में, हरे ही कर्म जाल को नमामि भक्त माल को। करे जो पाठ प्रात में, सरे सुकाज दात में, कर्म जाल को नमामि भक्त माल को। मिलाए दुख चक्र ते, जो होत सर्प चक्र ते, तथा सुबुद्धि बाल को नमामि भक्त माल को। मिलाए दुख चक्र ते, जो होत सर्प
सर्प चक्र थे तथा सुबुद्धि बाल को नमामि भक्त माल को। बहु पमा कहो कहा कहे न पार को लहा बखान सूर ख्याल को नमामि भक्त माल को। कहो कहा कहे न पार को लहा बखान सूर्य काल को नमामि भक्त माल को। पढ़े जो आदि अंत लो पढ़े सो परम संत लो कहे अनंत साल को नमामि भक्त माल को। पढ़े जो आदि अंत लो पढ़े सो परम संत लो कहे अनंत साल को नमामि भक्त माल को। नमामि भक्त माल को 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 नमामि भक्त माल को। जय जय श्री राधे श्री भक्तमाल जो की जय। श्री भक्तार भगवान की जय। जय जय श्री राधे नमामि भक्तमाल को। भक्तमाल संग्रह करो कथा श्रवण अनुमोद जो प्यारो प्रभु पुत्र सो बैठे श्री हरि की गोद। जो श्री भक्तमाल जी का आश्रय ले ले जो श्री भक्तमाल जी की पावन कथा का चिंतन मनन श्रवण आदि करे उसको पता है इसका क्या फल प्राप्त होता है। श्रीमद् भक्तमाल जी का आश्रय लेने के बाद उस भक्त को उस वैष्णव को श्री ठाकुर जी की पावन गोद की प्राप्ति हो जाती है। जो प्यारो प्रभु पुत्र सो बैठे श्री हरि की गोद। बैठे श्री हरि की गोद श्री हरि की गोद का अधिकारी हो जाता है। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भक्तमाल कथा के मधुर रसिया तो श्याम सुंदर ही हैं। श्याम सुंदर ही भक्त को भगवान की कथा में आनंद आता है। भक्त को भगवान की सुयश सुनने में आनंद आता है। उसी प्रकार श्री भगवान को भक्तों का सुयश सुनने में आनंद आता है। उनकी कोई और को घबरा कर हमने तो ऐसा तक सुना है यहाँ तक सुना है कि नित्य धाम में बैठ के श्याम सुंदर स्वयं श्री भागवत श्री भक्तमाल जी का स्वाध्याय करते हैं। किसी ना किसी भक्त चरित्र का मनन चिंतन स्वयं श्याम सुंदर बैठ के करते हैं। और कल पूज्य भक्तमाली जी महाराज ने भी बताया कि बिहारी जी को भी बिना भक्तमाल की कथा को सुने बिना किसी एक भक्त की कथा को सुने बिना रात को नींद ही नहीं आती। कितने वर्षों से बिहारी जी के मंदिर के पीछे कथा चल रही है। संध्या के समय जिस समय शयन आरती होती है उससे एक घंटा पूर्व मंदिर के पीछे भक्तमाल हो रही है अनेकों वर्षों से। जय हो सरकार स्वागत आपका। परम कृपा परम पूज्य संकीर्तन सम्राट स्वामी श्री मुकुंद हरि जी महाराज के परम कृपा पात्र स्वामी श्री वीरेंद्र हरि जी महाराज भी हमारे मध्य पधारे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत आपके चरणों में बारंबार वंदन। और पिछली कथा में भी महाराज श्री पधारे थे बड़ी कृपा। ऐसे ही ठाकुर जी आके बैठ जाते हैं किसी भी रूप में आ जाते हैं। राम कथा सुनवे को रसिया जिस प्रकार श्री हनुमंत लला कोई आए या ना आए लेकिन हनुमंत लला पहले आके विराजमान हो जाते हैं जहां राम कथा हो उसी प्रकार जहां श्री भक्तमाल की कथा होती है कोई श्रोता आए या ना आए लेकिन युगल सरकार आके बैठ जाते हैं किसी ना किसी रूप। परम रसिया है परम रसिया। और जो श्री ठाकुर जी को उनके प्यारे दुलारे भक्तों का चरित्र श्रवण कराए उसके भाग्य की सराहना नहीं की जा सकती। ऐसे भक्त के भाग्य की सराहना नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि ऐसे भक्त श्री ठाकुर जी के
गोद के अधिकारी हो जाते हैं। ऐसे भक्तों को तो श्री ठाकुर जी अपनी गोद में बैठ के लाड़ लड़ाते हैं, लाड़ लड़ाते हैं, लाड़ लड़ाते हैं। तो निवेदन इतना है, ये महोत्सव हो रहा है, कथा चल रही है, लेकिन ये कथा केवल आपके लिए 5 दिनों की ना रह जाए। जब यहां से श्रीमद भक्तमाल कथा रसोत्सव विराम ले इस वर्ष, तो आप यहां से श्रीमद भक्तमाल जी की पोथी लेके जाना। और अगर अपने घर में विराजमान श्री ठाकुर जी को सुख देना चाहते हो ना, कि ठाकुर जी हमारे सुख सुख आनंद से रहें और सुख दें हम अपनी तरफ से, कोई भी ऐसी करनी ना बने कि ठाकुर के हृदय को कष्ट पहुंचे, तो बस एक सरल उपाय है, रोज संध्या के समय, क्या जिस भी समय, पूरे दिन में सेवा से फारिग होने के बाद आपको जब भी समय मिले, तब एकांत में अपने गोपाल जी के सामने पोथी खोल के बैठ जाना और किसी एक भक्त का चरित्र श्री ठाकुर जी को श्रवण कराना। देखो कितना सुख मिलेगा ठाकुर जी, कितना सुख। और इस कथा के तो प्रधान श्रोता ही श्री गोविंद हैं, श्री बिहारी जी महाराज हैं, श्री युगल हैं, इसका अनेकों बार प्रमाण भी मिला है। श्रीमद भक्तमाल कथा का महत्व जो है, उसमें परम संत श्री वैष्णव दास जी महाराज ने जो महात्म्य लिखा, उसमें अनेकों उदाहरण दिए हैं और प्रमाणित किया है कि श्रीमद भक्तमाल कथा के श्रोता कोई और नहीं, साक्षात श्री बांके बिहारी जी ही हैं, श्री गोविंद ही हैं, प्रमाणित। और प्रमाण भी कोई सतयुग त्रेता या द्वापर का नहीं दिया, प्रमाण भी इस कलिकाल के ही है, इस कलियुग के, इस कलिकाल के। एक बार हमारे वृंदावन के संत श्री गोवर्धन नाथ जी राजस्थान रामत के लिए गए। रामत शब्द का अर्थ समझते हो? रामत शब्द का अर्थ है, हमारी संत परंपरा में पहले कुछ संत इकट्ठे होके, एकत्र होके, संतों की टोली गांव गांव जाती थी, अपने ठाकुर बटुआ को साथ लेती, जहां विश्राम करते ठाकुर जी को विराजमान करके नाम संकीर्तन होता, और वहां जो भी भिक्षा में आ जाता उन सबको इकट्ठा करके पूज्य गुरुदेव के चरणों में लाके समर्पित कर देते, जो भी द्रव्य अन्न धन जो भी आता उसको रामत कहते। तो श्री गोवर्धन नाथ जी महाराज राजस्थान रामत के लिए गए, उस संतों की टोली भी थी, और मार्ग में जयपुर पड़ा, जयपुर शहर। और आप सब जानते हो जयपुर के राजा चाहे कोई और हो सकता है इतिहास में नाम कुछ और रखे हो जयपुर के राजाओं के, लेकिन वास्तविकता तो ये है जयपुर के राजा तो केवल राधा गोविंद देव ही है। आप लोगों ने दर्शन किया है गोविंद देव जी का? यहाँ हमारे वृंदावन के ठाकुर हैं। मुगल काल में जब मुगलों ने अत्याचार किया और हमारे सनातन धर्म के मंदिरों का विध्वंस करने में जब वो लग रहे थे, तो हमारे वृंदावन के कुछ ठाकुर भी वृंदावन से बाहर कुछ समय के लिए गए, हमारे बिहारी जी भी गए थे। उनमें से श्री गोविंद देव जी महाराज जयपुर में ही विराजमान हो गए, जयपुर में आज तक विराजमान है। तो श्री गोवर्धन नाथ जी के मन में ये भाव आया कि राजस्थान तो जा ही रहे हैं, मार्ग में जयपुर पड़ ही रहा है, तो क्यों ना श्री गोविंद देव जी के दर्शन करके ही आगे बढ़ा जाए, और संतों को तो यही चाहिए, जहां लाल जी का दर्शन हो जाए वहीं उनके मन में आनंद है। बस श्री गोविंद देव जी का दर्शन करने के लिए जयपुर पधारे और श्री ठाकुर जी का दर्शन करने के बाद वहां के पुजारी श्री राधा रमण लाल जी, श्री राधा रमण गोसाई जी महाराज, उन्होंने आग्रह किया, कहा महाराज आप कृपा पूर्वक पधारे हैं, श्री गोविंद देव जी के दर्शन आपने किए ही हैं, और हमारा क्या यहाँ समस्त भक्तों के हृदय का भाव है कि कुछ दिन आप श्री गोविंद देव जी के मंदिर में विराजें और जितना समय आपके पास है
उतनी देर के लिए, उतने समय के लिए, उतने दिनों के लिए आप यहाँ श्री भक्तमाल की कथा श्री गोविंद देव जी को श्रवण कराएं, श्री ठाकुर जी को श्रवण कराएं। श्री गोवर्धन नाथ जी ने बड़े ही आनंद के साथ श्री राधा रमन गोसाई जी की बात को माना और उन्होंने कहा अगर ठाकुर जी की ही ऐसी इच्छा है तो श्री भक्तमाल की तैयारी होनी दो, कथा होनी दो। भक्तमाल तो है ही केवल श्री ठाकुर जी के लिए, है ही केवल श्री ठाकुर जी के लिए। और भक्तमाल और भागवत में अंतर भी मत करना। परम पूज्य मलुक पीठाधीश्वर स्वामी श्री राजेंद्र दास देव जी महाराज, उनके पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज कहा करते थे कि भागवत और भक्तमाल में कोई अंतर ही नहीं, कोई अंतर नहीं। भागवत कौन? भक्त को ही तो भागवत कहा गया है। भागवत कौन है? भक्त ही तो भागवत है, भक्त को ही तो भागवत कहा जाता है, परम भागवत। श्री प्रहलाद जी महाराज, परम भागवत श्री ध्रुव जी महाराज, परम भागवत श्री अमरीश जी महाराज, भागवत भक्त को ही कहा गया है। भक्तमाल में भी भक्तों की कथा है और भागवत में भी भक्तों की ही कथा है। भक्तमाल की तैयारी आरंभ होने लगी श्री गोविंद देव जी के मंदिर में और मन में अति उत्साह है। भक्तों के मन में उत्साह है कि कल प्रातः काल से श्री गोविंद देव जी के पवित्र मंदिर परिसर में भक्तमाल की कथा होने जा रही है। और पंडाल सजा, व्यासपीठ पर श्री गोवर्धन नाथ जी विराजमान हो गए और कथा आरंभ हुई। मंगलाचरण हुआ कथा का कि भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पग वंदन की नाश विघ्न यानी। पवित्र मंगलाचरण आरंभ हुआ, भक्त चरित्र में प्रवेश हुआ और कुछ दिन तक भक्तमाल कथा हुई श्री गोविंद देव जी के मंदिर में। और फिर वो समय नजदीक आया जब श्री गोवर्धन नाथ जी को सांभर की रावत के लिए जाना था, रामत के लिए जाना था और उन्होंने श्री राधा रमन गोसाई जी से कहा सरकार अभी भक्तमाल की कथा को यहाँ विराम देके हम सांभर की रामत करी आए और उसके बाद वापसी में आके आगे की कथा कहेंगे। राधा रमन गोसाई जी ने कहा सरकार आपको संत सेवा हेतु आगे जाना है, उसमें हम बाधक नहीं बनेंगे, उसमें हम बाधक नहीं बनेंगे, लेकिन आप वचन देके जाओ कि सांभर की रावत करते हुए जब आप वापस पधारोगे तो मार्ग में जयपुर आएगा और आप पुनः श्री भक्तमाल जी की कथा का आनंद हम सबको दोगे, श्री ठाकुर जी को दोगे। ऐसा भाव श्री राधा रमन गोसाई जी ने रखा। सांभर की रामत कर आए, सांभर की रामत कर आए। गोवर्धन नाथ जी ने कहा सरकार चिंता मत करना, बस हम रामत करके आए फिर तुरंत श्री गोविंद देव जी के मंदिर में भक्तमाल की कथा बहेगी, रसधारा बहेगी। सांभर की रामत कर आए, सांभर की रामत कर आए। ओ तब ही पूरी कथा सुनाए, तब ही पूरी कथा सुनाए। सांभर की रामत कर आए, सांभर की रामत कर आए, सांभर की रामत कर आए, सांभर की रामत कर आए। वो तब ही पूरी कथा सुनाए, पूरी
अब ही पूरी कथा सुनाए, तब ही पूरी कथा सुनाए। और गोवर्धन नाथ जी वहां से चले हैं सांभर की रामत की, और कुछ दिन के बाद वापस जयपुर पधारे, श्री गोविंद देव जी के पावन दर्शन किए, और उसके बाद पुनः श्री राधा रमन गोसाई जी ने कहा, सरकार आपका पुनः आगमन हुआ है, जो कथा अधूरी रह गई थी अब आगे की कथा सुना के हम सबको कृतार्थ करो। अगला दिन फिर हुआ, फिर व्यासपीठ सजी, और उस व्यासपीठ पे श्री गोवर्धन नाथ जी विराजमान हो गए, और कथा आरंभ करने ही जा रहे थे, मंगलाचरण किया ही था, और कथा आरंभ करते ही आज गोवर्धन नाथ जी ने कहा, कितने आनंद के साथ यहाँ कथा हमने श्रवण कराई, और इतने आनंद में विभोर होकर यहाँ के भक्तों ने कथा सुनी, तो अब मैं पूछना चाहता हूँ कि पिछली कथा हमने किस भक्त चरित्र पर विराम की, एक बार देखूं तो सही, एक बार जानूं तो सही, इनको याद भी है कि नहीं है कि पिछली कथा हमने किस भक्त चरित्र तक विराम की थी। और श्री गोवर्धन नाथ जी ने पूछा भक्तों से, पहले ये बताओ, आगे की कथा तो हम बाद में कहेंगे, लेकिन पहले आप ये बताओ कि पिछली बार हमने किस भक्त तक की कथा आपको सुनाई। अब श्रोता तो श्रोता ही ठहरे भैया, श्रोताओं में भी अलग अलग श्रेणियां होती हैं, सभी श्रोता नहीं होते, श्रोताओं की भी श्रेणियां हैं, एक होते हैं श्रोता, एक होते हैं सरोता, एक होते हैं सोता, तीन प्रकार के श्रेणी है यहां पर। हाँ, श्रोता जैसे परम पूज्य महाराज श्री संत वृंद बैठे हैं, एकाग्रचित्त होके बस कथा में मन लगा है, और वहां से वाइब्रेशन आ रहा है तो यहां भी बोला जा रहा है, ये हुए श्रोता। एक हुए सरोता, सरोता जिनका ना कथा से कोई काम है, ना भगवत नाम से कोई काम है, ना संत सेवा से कोई काम है, उनका केवल एक ही काम है, आयोजन में आके बैठना और ये देखना कि भाई व्यवस्था कैसी थी, ठीक थी कि नहीं थी, बैठने की व्यवस्था ठीक थी कि नहीं थी, श्रीजी सेवा सदन में गर्मी बहुत थी, इस बार आज के दिन उन्होंने कूलर लगवा दिए कि नहीं लगवा दिए, एग्जॉस्ट लग गए कि नहीं लग गए। हाँ, ये सरोता है, बिगल काट छाट करने के लिए यार, प्रसाद की व्यवस्था अच्छी नहीं थी ना, भीड़ बहुत थी, पंक्तिबद्ध प्रसाद बांट ही नहीं सके बोलो, ये सरोता। और एक होते हैं सोता, उन्हें ना कथा सुननी है ना ही काट छाट करनी है, बस वो यहाँ आके उनको दो पल भर की नींद लेनी है प्यारे बस। लेकिन एक बात बताऊं, सरोता से सोता बहुत उत्तम होते, सरोता से सोता उत्तम है, अगर श्रोता नहीं बन पाओ तो सोता बनना, लेकिन सरोता मत बनना प्यारे। क्यों? अरे संसार की दौड़ धूप के बाद आदमी दो घड़ी नींद के लिए तड़पता है, नींद की दवाइयां ले लेके भी इसको नींद नहीं आती, कम से कम भगवान के नाम में इतनी तो शक्ति है, जो काम दवा नहीं कर पाई वो राम का नाम कर रहा है, दो घड़ी आराम ही सही, आराम चाहता है तो आराम की शरण में, परम विश्राम तो केवल श्री ठाकुर जी की शरणागति में है प्यारे। कोई भी श्रोता बता नहीं पाए कि पिछली कथा कहां पर विराम हुई, और जब कोई भी एक भी श्रोता इतनी भीड़ में से नहीं बता पाया कि श्री गोवर्धन नाथ जी ने, व्यास जी महाराज ने पिछली कथा में किस भक्त चरित्र पर विराम किया था, तो उनके मन को कष्ट हुआ, उन्होंने कहा कि ऐसे अनाधिकारी भक्तों के बीच में भक्तमाल कथा कहने का क्या महत्व, क्या लाभ, इससे अच्छा तो हमारा वृंदावन है, कथा तो हम रोज ही कहते हैं, संत वैष्णवों में बैठ के रोज ही तो कथा कह रहे हैं, अनाधिकारियों में बैठ के कथा कहने का क्या लाभ, जिन्हें कुछ मालूम ही नहीं, जिनको कोई, जिन्होंने कोई रस ही नहीं लिया, आनंद ही नहीं लिया। और उन्होंने अपनी पोथी बंद कर दी, और बंद करके कहा कि अब हम यहाँ कथा नहीं कहेंगे, अब हम कथा नहीं कहेंगे, अब हम यहाँ से सीधा वृंदावन जाएंगे, और वृंदावन जाने के बाद अपनी वही नित्य की दिनचर्या, संतों में बैठ के ही, संतों की जमात में बैठ के ही भक्तमाल की कथा कहेंगे। और पोथी बंद करके व्यासपीठ से उतर गए गोवर्धन नाथ। प्रमाण सुनना, इस कली काल में भक्तमाल कथा के प्रधान श्रोता बिहारी जी हैं, इस बात का प्रमाण है ये प्रसंग, इस बात का उदाहरण है ये प्रसंग। पोथी बंद की, गोवर्धन नाथ जी व्यासपीठ से उतरे और चलने को जैसे ही तैयार हुए, राधा रमन जी गोसाई जी ने रोकने का प्रयास किया, लेकिन नहीं रुकते,
कि हम ऐसे अनाधिकारी भक्तों के बीच में, ऐसे अनाधिकारी जीवों के बीच में अपने भक्तमाल की कथा नहीं कहेंगे, हम तो अपने संतों में ही बैठ के भक्तमाल का आनंद लें। राधा रमण गोसाई जी श्री गोविंद देव जी की सेवा में थे और उस समय श्री गोविंद देव जी महाराज ने कहा कि राधा रमण जी आप गोवर्धन नाथ जी से कह दो कि गलती श्रोताओं की नहीं है, गलती तो उन्हीं की है, गलती श्रोताओं की नहीं है, गलती उन्हीं की है। राधा रमण जी ने कहा ठाकुर जी उनकी गलती कैसे, ठाकुर जी साक्षात बात कर रहे हैं, साक्षात बात कर रहे हैं। राधा रमण जी ने कहा ठाकुर जी बताओ तो गोवर्धन नाथ जी की गलती कैसे है। तो श्री गोविंद देव जी ने कहा, श्री ठाकुर जी ने कहा कि गोवर्धन नाथ जी कथा तो कह रहे हैं लेकिन वो ये भूल गए कि कथा भक्तमाल की कथा के प्रधान श्रोता तो हम हैं, ये भक्त लोग तो दूसरे नंबर पर आते हैं। अगर कुछ पूछना ही था तो पहले हमसे पूछते, इस कथा के प्रथम श्रोता तो हम हैं, ये लोग ये तो बेचारे बाद में आते हैं, हमसे तो पूछा नहीं, इनसे पूछा तो गलती इन्हीं की तो है और किसकी है। राधा रमण जी के नेत्रों में अश्रु आ गए। श्री गोविंद देव विविख्याता, श्री गोविंद देव विख्याता, ओ श्री गोविंद देव विख्याता, श्री गोविंद देव विख्याता, कही पुजारी सो यह बाता, कही पुजारी से यो बाता, ओ कही पुजारी सो यह बाता, कही पुजारी सो यह बाता, ओ श्री गोविंद देव विख्याता, श्री गोविंद ख्याता, ओ कही पुजारी सो यह बाता, कही पुजारी सो यह बाता, श्री रैदास भक्त की गाथा, श्री रैदास भक्त की गाथा। राधा रमण जी जाके कह दो गोवर्धन नाथ जी से कि उन्होंने पिछली कथा श्री रैदास जी की तक कथा कही है, अब आगे की कथा कहें, रैदास भक्त तक की कथा श्री गोविंद देव जी के मंदिर में हो चुकी है, अब गोवर्धन नाथ जी आप आगे का प्रसंग सुनाएं। श्री रैदास भक्त की गाथा, श्री रैदास भक्त की गाथा, भाई कहो आगे तुम नाथा, भाई कहो आगे तुम नाथा, ओ भाई कहो आगे तुम नाथा, भाई कहो आगे तुम नाथा, हाँ श्री गोविंद देव विख्याता, श्री गोविंद ख्याता, कही पुजारी सो यह बाता, कही पुजारी सो यह बाता।